फ्रेंड्स, पधारोसा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ईदड़ा यानी वाइट ढोकला। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ इडली वाले चावल लिए हैं। अगर इडली वाले चावल ना हो तो नॉर्मल चावल भी ले सकते हैं। 1 कप चावल, 1/2 कप उड़द दाल, 4 चम्मच पोहा और 1/2 चम्मच मेथी डालकर अच्छी तरह धोना है और चावल के ऊपर तक पानी डालकर ढक्कन लगाकर 7 से 8 घंटे या रात भर भिगोना है। मैंने इन्हें रात भर भिगो दिया था। मैंने चावल दाल को एक मिक्सर जार में डाल दिया है। अब इसमें 1/2 कप दही डालकर बारीक पीसना है। इडली के बैटर जैसा ही बनाना है। ज़रूरत के हिसाब से पानी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1/4 कप पानी डाला है। देखिए, इस तरह का बैटर तैयार करना है। अब इस पर ढक्कन लगाकर 7 से 8 घंटे रखना है। लगभग 8 घंटे हो गए हैं। इसे 2 से 3 मिनट लगातार मिलाते रहना है। इससे ईदड़ा यानी ढोकला सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट और 1 चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। इसी में 1 पैकेट इनो और 1 चम्मच पानी डालकर मिक्स करना है। मैंने प्लेट तेल लगाकर रख ली थी। इसमें ढोकला का बैटर डालकर ऊपर से थोड़ी कूटी हुई काली मिर्च डालकर ढोकला स्टैंड में रखना है। इडली वाले कुकर में मैंने पहले से ही पानी गर्म कर लिया था। ढोकला वाला स्टैंड रखकर 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर स्टीम करना है। लगभग 10 मिनट हो गई है। चाकू एकदम साफ आया है। इन्हें स्टैंड से निकाल कर थोड़ा ठंडा करना है। मैंने इस पर 1 से 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। ब्रश या चम्मच से ऊपर से थोड़ा घी लगा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब इन्हें मनपसंद आकार में कट करना है। आप भी ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। थैंक यू।